हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर 1। उसकी जो है फर्स्ट एक्सरसाइज हम देखेंगे 1.1। चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी है जानना कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर लाइन क्या है। ज़ीरो से देखिए मैंने बनाई हुई है, ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ आप जाएंगे 1, 2, 3, 4, फिर आप नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ये नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं इन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। ये क्या होते हैं? इंटीजर्स। और ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। चाहे आप देखिए कि 0 से 1 के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो कुछ पॉइंट्स में आएंगे, 2 से 3 के बीच में 2.3, 2.4, 2.5, ये सारे के सारे जो हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में क्या क्या आता है? अब देखिए, होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 से इन्फिनिट तक, मतलब पूरा 0 से 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक जो नंबर चलते जाएंगे वो क्या होंगे? होल नंबर्स होंगे। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। रेशनल नंबर जो है वो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। अब जैसे कि 1 लिख लीजिए आप, 2 लिख लीजिए, उसके नीचे आप 1 लगा सकते हैं। 1 अपॉन 1 होता है, 2 अपॉन 1 होता है, 5 अपॉन 1 होता है। तो P अपॉन Q की फॉर्म में जो भी नंबर्स जो भी लिखे जाते हैं वो हमारे रेशनल नंबर्स होते हैं। 3 अपॉन 4, 5 अपॉन 9, वो कुछ भी हो सकते हैं, वो रेशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, जैसे कि √3, √7, पाई, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर होते हैं। तो जो भी नंबर्स हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे होल नंबर, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सारे के सारे जो हैं रियल नंबर्स की कैटेगरी में जो है हमारे आते हैं। अब देखिए, अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से HCF को फाइंड आउट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 135 और 225 जो है इन नंबर का हमें HCF निकालना है। तो देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा वही है जो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। देखिए ये वाली चीज़ जो है, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये वाली जो चीज़ है ना, यही क्या है? यूक्लिड डिवीजन लेमा है। डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए, मैंने पहले से ही सब कुछ सॉल्व करके रख लिया है, इसी से मैं आपको समझाऊंगी। ये इसलिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, हम लोग कम टाइम में ही जो है अपनी पूरी की पूरी बुक कंप्लीट कर दें और अच्छे से समझ पाएँ। आप मुझे बताइएगा अगर मैं आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊं वो ज़्यादा आपको बेटर लगता है या इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है उसमें हमें HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। तो देखिए, 135 और 225 है, इसका हमें HCF निकालना है। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी हमें दो नंबर का HCF निकालना होता है तो बड़े वाले को हम डिवाइड करते हैं छोटे वाले से। तो बड़ा वाला क्या है? 225 है, इसको हम डिवाइड करेंगे 135 से। तो जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइजर होता है, जिसका आंसर निकल के आता है वो कोशेंट होता है। और जब तक इसमें हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाएगा हम डिवाइड करते जाएंगे। तो देखिए, 135 वन जा क्या होता है? 135 होता है, 2 जा जो है वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने 135 वन जा ही ले लिया है। तो 135 वन जा हो गया 135। जब हमने 225 को माइनस किया 135 से, तो हमारा देखिए 5 माइनस 5 ज़ीरो, और 2 छोटा है 3 से, तो हमने कैरी ले लिया, तो इधर से कैरी लिया तो 12 हो गया, 12 माइनस 3 हो गया 9, तो रिमाइंडर क्या बच गया? 9 बच गया। अब देखिए, इसमें हमारा जो रिमाइंडर बचता है वो फिर हमारा डिवाइज़र बन जाता है, और जो पहले डिवाइज़र था 135 वो अब हमारा डिविडेंड बन जाता है। और जब तक हमारा ज़ीरो नहीं आ जाएगा ना रिमाइंडर, तब तक हम यही स्टेप फॉलो करेंगे। देखिए, 90 हमारा रिमाइंडर था, तो अब हमारा वो क्या हो गया? डिवाइज़र बन गया। किसके लिए? 135 के लिए। जो डिवाइज़र पहले था वो अब क्या बन गया? डिविडेंड बन गया। तो इस तरीके से हम लोग इसमें प्रोसेस को चलाते जाते हैं। तो ये HCF निकालने का प्रोसेस है। 90 वन जा 90, 92 जा हमारा 180 हो जाएगा, 180 135 से बड़ा है।
तो 91 जो 135 में से 90 को माइनस करेंगे तो 45 आएगा। अब 45 रिमाइंडर बचा, तो अगेन 45 हमारा क्या हो गया, डिवाइजर। ये देखिए, ये डिवाइजर हो गया, आप है ना, और इसका डिविडेंड हो गया 90। 45 टू जो 90 होता है तो हमारा जीरो आ गया। जहाँ पर जीरो आएगा, जिस डिवाइजर से, डिवाइजर जिससे डिवाइड किया जाता है, जिस डिवाइजर से हमारा जीरो आएगा वही हमारा एच सी एल लिखेंगे। तो देखिए, डिविडेंड 225 इज इक्वल्स टू डिवाइजर 135 इनटू कोशेंट क्या है, 1 है, रिमाइंडर क्या है, 90 है। ये वाला जो पहला वाला स्टेप था ये हो गया। दूसरा आ गया 135, अब क्या था, डिवाइजर, फिर डिविडेंड जो था वो, सॉरी 135 क्या हो गया था हमारा, अब यहाँ पे डिविडेंड हो गया था, फिर डिवाइजर 90, फिर रिमाइंडर 45, और जब तक जीरो तक पूरा, ये वाली थ्योरम बतानी है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट, इससे पूरे प्रोसेस से देख देख करके हम लोग इसमें लिखते जाएंगे। और जिस डिवाइजर पे हमारा रिमाइंडर जीरो आएगा वही हमारा एच सी एफ होगा। तो इस वाले क्वेश्चन का हमारा एच सी एफ आ जाता है 45। तो एच सी एफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इसी तरीके से इसके दोनों और देखते हैं क्वेश्चन जो है। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है 196 एंड 3822 का, 220 का हमें एच सी एफ निकालना है। तो बड़े वाला को हम डिविडेंड लेते हैं और छोटे वाले को डिवाइजर। तो 196 से जब हम 38220 को डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए 196 टू जा तो हमारा 382 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 जा लेके 196 करेंगे। तो 196 से जब हम लोगों ने करा, 382 को माइनस करा 196 से, तो 186 बच गया। अभी जो 2 था इसको हमने नीचे उतार लिया। अब 196 9 जा हम लोगों ने किया हुआ है, तो देखिए 196 9 जा जब हमने करा तो 1764 आ गया। तो 1862 को हमने माइनस करा 1764 से, ये हमारा आया था 9 टाइम्स। तो फिर माइनस जब हमने करा इन दोनों को, तो देखिए इधर से कैरी लेंगे तो 12 माइनस 4 8 बचेगा, ये बचा 5। तो इधर से कैरी लेंगे, 15 माइनस 6 क्या बचा, 9। 7 माइनस 7 0, 1 माइनस 1 0। तो फिर 980 हमारा ये बचा था इससे माइनस करके। अब 196 इनटू 5 होता है 196 इनटू 5 हमारा 980 मिल गया। तो 980 यहाँ पे था, 980 ये था, तो ये तो हमारा एक ही स्टेप में ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो कट गया और 195 क्वेश्चन हमारा आ गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेम्मा में हमने लगाया, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो जो डिवाइजर होता है ना इसमें, वही हमारा क्या होता है, एच सी एफ। तो डिविडेंड क्या था, 38220, डिवाइजर 196, कोशेंट आया 195, और पहले ही स्टेप में हमें रिमाइंडर जीरो मिल गया, तो एच सी एफ क्या हो गया, 196। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में है हमारा 867 और